दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 10 सितंबर 2022 शनिवार। एक बार फिर से हम आपके लिए 10 विभागों में बम्पर वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर SSC, बैंक और मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत बम्पर भर्तियाँ निकली है, साथ ही साथ और भी अन्य विभागों में भर्तियाँ निकली है। 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए यहाँ पर सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 10 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 10 सितंबर की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग SSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट की जाए तो इसमें पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर और अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क UDC की। बात अगर यहाँ पर एग्जाम की जाए तो ये भर्ती होगी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL एग्जाम 2022 के माध्यम से। SSC CGL के भर्ती की ऑफिशियल अपडेट है। 6000 से अधिक वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकलेंगी। बात अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 सितंबर 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 अक्टूबर 2022 है। एग्जाम डेट दिसंबर 2022 में है। सैलरी डिटेल की अगर बात करें तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 35,400 से 1,12,400, 44,900 से 1,42,400, 47,600 से 1,51,400 है। ग्रुप सी के अंतर्गत 25,500 से 81,400 और 29,200 से 92,300 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27, 30, 32 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल OBC के लिए 100 रुपये है। SST वोमेन ESM को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। SSC.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, सहकारी बैंक के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। 276 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए कल से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 सितंबर 2022 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 अक्टूबर 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 9 अक्टूबर 2022 है। एग्जाम डेट नवंबर या दिसंबर 2022 में है। सैलरी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36,000 से 63,840 है। असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 17,900 से 47,920 है। बैचलर डिग्री से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। फी जनरल OBC या अदर स्टेट के लिए 850 है। SST PH के लिए 650 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। bihar.scb.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के अंतर्गत ये भर्ती है।
पोस्ट है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। 208 वैकेंसी जहां पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की यहाँ पर 9 सितंबर 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 सितंबर 2022 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 सितंबर 2022 है। करेक्शन करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2022 है। सैलरी 57,700 है लेवल 10 के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BBTech, BSc इंजीनियरिंग, MEMTech, MSc MTech इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर एज लिमिट की जाए तो मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष है। फी जनरल OBC या अदर स्टेट के लिए 750 है। SC ST PH या फीमेल जो बिहार के उनके लिए 200 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन असम में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की। 620 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की जाए तो 5 सितंबर से आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 26 सितंबर 2022 है। सैलरी डिटेल की अगर बात करें तो 25,000 रुपये है प्रति माह के लिए। BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहां पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, nhm.assam.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग OSSC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर की। 129 वैकेंसीज निकली है। बात अगर आवेदन डेट की करें तो स्टार्टिंग डेट इसके लिए 13 सितंबर 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 अक्टूबर 2022 है। सैलरी 25,300 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 38 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस डिटेल की अगर बात करें तो आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, OSSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, तेलंगाना लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीर की। 175 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 20 सितंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 अक्टूबर 2022 है। सैलरी 32,810 से 96,890 है। डिप्लोमा BArts, BBTech, B Planning से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 44 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये है। एग्जामिनेशन फीस 80 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है tspsc.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली हुई है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर की। 3,120 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 7 अक्टूबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2022 है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2022 है। करेक्शन आप 13 से 15 अक्टूबर तक कर सकते हो। सैलरी 47,600 से 151,100 है लेवल 8 के अंतर्गत। 12th BEd MEd से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष है। मैक्सिमम UR मेल के लिए 40 है, BC OBC मेल के लिए 42 है, UR OBC BC फीमेल के लिए 43 है, SC ST मेल फीमेल के लिए 45 वर्ष है। 100 रुपये फीस है अदर्स के लिए। SC ST जो झारखंड के, उनके लिए 50 है। ऑनलाइन तरीके से ही आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। jssc.nic.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, UPPCL बिजली भाग के अंतर्गत ये भर्ती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, 1033 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 सितंबर को बढ़ाकर 27 सितंबर कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 27 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सैलरी डिटेल की अगर बात करें तो 27,200 से 86,100 है लेवल 4 के अंतर्गत। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर UR OBC NCL EWS कैटेगरी के लिए 1180 है, SC ST के लिए 826 है, PH के लिए 12 है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, upenergy.in/UPPCL इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हुई है सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 453 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। इम्पोर्टेंट डेट इसकी यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो 20 जुलाई थी उसको बढ़ाकर अब 14 सितंबर 2022 कर दिया गया है। सैलरी भी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, SSSB.punjab.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जहां पर 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ही निकली है। क्लर्क लीगल की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई है। 355 टोटल यहाँ पर वैकेंसी जिसके लिए कर दी गई है, जो पहले 283 थी। लास्ट डेट भी एक्सटेंडेड की गई है, जो सबसे पहले 15 जून थी उसको बढ़ाकर 8 जुलाई किया गया। एक बार फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। 19,900 लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी है। लॉ ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, SC BCWS के लिए 250 है, EX Serviceman के लिए 200 है, फिजिकली हैंडीक्राफ्टेड के लिए 500 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, SSSB.punjab.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी के 10 सितंबर 2022 की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।